नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको दिखाने वाले हैं भारत के सबसे प्रसिद्ध और सुंदर गार्डनों में से एक, लालबाग बॉटनिकल गार्डन। ये बेंगलुरु के दिल में स्थित है और प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। लालबाग बॉटनिकल गार्डन की स्थापना 1760 में मैसूर के राजा हैदर अली ने की थी। उनके पुत्र टीपू सुल्तान ने इस गार्डन को और विकसित किया और इसमें कई दुर्लभ पौधे और फूल लगाए। ये गार्डन करीब 240 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें आप 1000 से भी अधिक प्रकार की पौधों की प्रजातियां देख सकते हैं। लालबाग की सबसे खास बात यहाँ के ग्लास हाउस की है। ये कांच से बनी एक बड़ी संरचना है जिसे लंदन के क्रिस्टल पैलेस से प्रेरित होकर बनाया गया है। यहाँ हर साल जनवरी और अगस्त के महीने में फ्लावर शो का आयोजन होता है, जो पर्यटकों के लिए एक बड़ा आकर्षण है। इस गार्डन में सिर्फ पौधों की विविधता ही नहीं, बल्कि इतिहास भी बसा हुआ है। यहाँ लालबाग रॉक है, जो लगभग 3000 मिलियन साल पुरानी चट्टान है। इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। लालबाग में आप सिर्फ खूबसूरत फूलों और पेड़ों का आनंद ही नहीं ले सकते, बल्कि यहाँ कई पक्षी भी देखने को मिलते हैं। ये स्थान पक्षी प्रेमियों के लिए भी एक शानदार जगह है। तो दोस्तों, अगर आप बेंगलुरु में हैं या वहां जाने की योजना बना रहे हैं, तो लालबाग बॉटनिकल गार्डन को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। ये एक ऐसी जगह है जहां आपको प्रकृति के साथ साथ शांति और सुंदरता का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ इस खूबसूरत यात्रा पर चलने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।